नमस्ते, कुमार्स क्लासरूम के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यह है कि आज के जो हमारे क्लास 10 के बच्चे हैं, सभी नहीं बल्कि कुछ बच्चे के पास स्मार्टफोन जरूर रहता है, लेकिन स्मार्टफोन रहते हुए भी बच्चे उसका सही इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो और मैंने भी खुद इंटरनेट में सर्च करके देखा कि विशेषकर क्लास 10 हमारे वेस्ट बंगाल के बच्चों के लिए विशेष किसी प्रकार के वीडियो उपलब्ध नहीं है। तो मैंने उन्हीं बच्चों को सहायता के लिए ये वीडियो बनाने का निश्चय किया और भी वीडियो मैं फिजिकल साइंस के चैप्टर वाइज बनाता रहूँगा और अपलोड करता रहूँगा। तो विशेष आज के एपिसोड में मैं कोई टीचिंग नहीं करूँगा, लेकिन टीचिंग से पहले जो तैयारियाँ होती हैं या लर्निंग प्रोसेस के पहले जो तैयारियाँ होनी चाहिए उसके बारे में आप सबसे मेरा विचार शेयर करना चाहता हूँ। तो विशेषकर ये वीडियो केवल स्टूडेंट के लिए नहीं, आज का ये वीडियो विशेषकर तो उन बच्चों के पेरेंट्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा मेरा मानना है, क्योंकि बच्चे और पेरेंट्स दोनों के तालमेल से ही बच्चे के अच्छे मार्क्स आते हैं। और बहुत बच्चे का ये सवाल रहता है कि फिजिकल साइंस उनके लिए कठिन रहता है और बहुत ही किस्म उनको याद करने के लिए बहुत दिक्कत होती है, और जो याद करते हैं उसको रिटेन नहीं कर पाते हैं। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इफ़ेक्टिव लर्निंग हम कैसे कर पाएंगे। तो बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने में असमर्थ रहते हैं, समझने में असमर्थ रहते हैं, तो हम क्या करें इसके लिए। तो बच्चे जो फिजिकल साइंस में जो कमज़ोर हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि आप स्कूल या क्लास कभी मिस ना करें और आप हमेशा ये ध्यान में रहें कि आपका रेगुलरिटी 100% हो, तभी जाकर आप में फिजिकल साइंस की एक समझ आ जाएगी। इतना ही नहीं, जब आप क्लास में होते हैं, जब भी टीचर आपको पढ़ाते हैं, तो 100% अटेंशन आपको टीचर के ऊपर होना चाहिए। जब भी जो चीज़ आपको पढ़ा रहे हैं, ब्लैक बोर्ड में जो चीज़ टीचर से लिखते हैं, समझाते हैं, उस चीज़ को आप नोट करें, अपने नोटबुक में अवश्य नोट करें। और उसके बाद आप जब भी घर में जाएंगे तो सभी सब्जेक्ट के साथ साथ आप फिजिकल साइंस भी जरूर पढ़ें जो क्लास में पढ़ाई हुआ है। और पढ़ते समय आप केवल एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार उसको थरो रीडिंग करें, जिससे आपको समझने में सहायता होगी। और उसके अलावा आपको जहाँ पर समझने में दिक्कत होगी वहाँ पर आप अंडरलाइन करें और अगले क्लास में टीचर को जरूर पूछें। और तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि हमारे दिमाग किस तरह से काम करता है, याद करने के जहाँ तक सवाल है किस तरह से याद करता है, ये आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए जो आपको मैं यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि हमारा दो प्रकार का माइंड बताया गया है साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, वो है कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो वो भाग है जो पूरा मेमोरी सिस्टम का केवल 10% भाग ही उसमें रहता है और बाकी 90% सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, या कहे तो कॉन्शियस माइंड को हम लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कहते हैं और सबकॉन्शियस माइंड को लॉन्ग टर्म मेमोरी भी कहते हैं। लेकिन जब हम एक बार पढ़ते हैं किसी चीज़ को तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहता है कुछ समय के लिए, उसके बाद यदि हम उस पर रिविज़न नहीं करेंगे और तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगा और उसको हम तुरंत भूल जाते हैं। तो
रेगुलर रिवीजन हमको क्यों करना चाहिए, इसके लिए मैं आपके साथ एक छोटा सा डिपिक्शन शेयर करना चाहता हूँ। हमारे इफेक्टिव लर्निंग को और बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं एक ग्राफ का सहायता ले रहा हूँ। तो इस ग्राफ में हम देखेंगे कि याद करने की क्षमता किस तरह से बढ़ती जाती है रिवीजन करने से। जैसे कि पहली बार हमने कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वो 100% हो जाता है, 100% हो जाता पहली बार याद करने के बाद, लेकिन 24 घंटा में उसका 80% हम लोग भूल जाते हैं, यानी कि वो आ जाता है नीचे, फिर ग्राफ नीचे आ गया। और लेकिन उसका फिर हम रिवाइज करेंगे तो वो फिर 100% हो जाती है, और उसका 24 घंटा में फिर उसका 80% हम लोग भूलते हैं, तो ये ग्राफ आ जाएगा फिर नीचे, लेकिन अब आएगा पहले से ज़्यादा हम लोगों को याद होता है, मेमोरी रिटेंशन होता है। तो अब फिर हम रिवाइज करेंगे तो ये चला जाएगा ऊपर ग्राफ, और फिर हम 80% भूल जाते हैं। इस तरह से हम हर एक बार पढ़ेंगे लेकिन उसका कुछ हिस्सा हम भूलते जाएंगे, लेकिन अंतिम में जाकर ये ग्राफ एकदम पैरेलल हो जाएगा, यानी कि हम कभी ना भूलने की स्थिति में पहुंच जाएंगे ये धीरे धीरे यदि हम रिवाइज करें। तो रिवाइज पहले हम लोग 24 घंटा में एक बार करें, उसके बाद 2-3 दिन में, या उसके बाद सप्ताह भर में, 10 दिन में, 30 दिन में, और 3 महीना में, 4 महीना में, एक एक बार करके वर्ष भर में इसका रोटेशन यदि हम करते रहें, रिपीटेशन करते रहें, तो ऐसा एक दिन पहुंच जाएगा कि हम लोग कभी उस चीज़ को नहीं भूल सकते। तो इसलिए एग्जामिनेशन से पहले इस तरह से रिवाइज हम लोग ज़रूर करना चाहिए। तो इसके बाद आपको समझ में आ गया होगा कि रिवीजन किस तरह से करना चाहिए। तो रिवीजन इसको देखने के बाद आपको लगा होगा कि रिवीजन कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। तो रिवीजन करते समय आप 24 घंटे के अंतराल में एक बार रिवीजन ज़रूर करें, और उसके बाद 2 दिन में, 1 सप्ताह के बाद, उसके बाद 20 दिन के बाद, उसके बाद महीना दिन के बाद, उसके बाद 2 महीना के बाद एक बार ज़रूर रिवीजन करें, क्योंकि रिवीजन करते समय हम लोगों का लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा और एग्ज़ाम के टाइम में भूलने का चांसेस बहुत ही कम रहता है। तो ये है बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप्स जो हमको याद करने में सहायता करेगी, और आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो ज़रूर आप सक्सेस होंगे मेमोराइज करने में, और एग्ज़ाम में कोई डिफ़िकल्टी आपको नहीं होगी, और कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बहुत ऊंचा रहेगा। उसके बाद और एक चीज़ आपको बता दूं कि लर्निंग प्रोसेस में, इफ़ेक्टिव लर्निंग में आप किस तरह से जल्द आप किसी चीज़ को याद कर सकते हैं। जैसे कि विज्ञान पढ़ना है तो विज्ञान केवल रटने से काम नहीं चलेगा। तो रटने का क्या मकसद है, क्योंकि हमारा ब्रेन किसी शब्द को याद नहीं करता, लिखा हुआ शब्द को याद नहीं करता है, हमारा दिमाग पिक्चर के रूप में, कोई आइडिया के रूप में ये रहता है। जैसे कि मैं आपको एक शब्द कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा और आँख बंद करके सबको सुनिएगा। तो ये शब्द है माँ, फिर से सुनिएगा, ये शब्द है माँ। तो ये सब सुनने के बाद आपने कभी भी माँ शब्द, लिखा हुआ शब्द को कल्पना नहीं किया होगा। जैसे मैंने माँ कहा, आपके मस्तिष्क में अपने माँ की तस्वीर जरूर आई होगी। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जब भी हम कुछ चीज़ याद करें तो दिमाग माँ, अपने माँ के चित्र के रूप में दिमाग में रहा है। इसलिए विज्ञान के हर एक चीज़ को चित्र के रूप में या कुछ घटनाओं के रूप में यदि हम उसको सीक्वेंस बना के याद रखें तो ये आपको याद करने में बहुत मदद करेगी। और उसके अलावा आपको भी और एक जानकारी दे दूं कि किताब से आपको केवल 10% यानी कि 10% ही आपको याद हो सकता है, यानी कि 10, इसका मतलब किताब से पढ़ना, समझ में, उससे पढ़ के समझ में आना बहुत मुश्किल बात है। तो इसके लिए
उस चीज़ आपको सुनना भी पड़ेगा। जैसे कि टीचर की बात आपको क्लास में जब भी समझाते हैं तो वो टीचर की बात आपको सुननी चाहिए। उससे क्या होता है कि सुनने से हमको 20 से 25% तक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और उससे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है देखने से। तो यदि हमको प्रैक्टिकल कुछ चीज़ देखने को मिले तो बहुत ही अच्छा मानूंगा मैं, लेकिन क्लास 10 लेवल में प्रैक्टिकल का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए आप उस प्रैक्टिकली उस चीज़ को नहीं देख सकते हैं। लेकिन हम इमेजिनेशन कर सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब वीडियो है रिएक्शंस का, या बायोलॉजी में आपका एनिमेशंस वीडियो बहुत सारा मिलता है, आप उस वीडियो के सहारे भी बहुत चीज़ आपको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, समझने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और देखने से यानी कि विजुअल से आपको 50 से 60% तक समझ में आती है किसी चीज़ को। और उसके बाद और ज़्यादा यदि कुछ चीज़ से होती है अंडरस्टैंडिंग होती है तो वो है डिस्कशन। आप ग्रुप डिस्कशन करें, अपने दोस्त तैयारी करें, पढ़ने का एक ग्रुप तैयार करें। जब भी आप पढ़ते हैं तो पढ़ा हुआ चीज़ को डिस्कस कीजिए, क्वेश्चन का जो आंसर्स है उसका डिस्कस कीजिए। इससे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ही हाई हो जाएगा, यानी कि 80% आप ग्रुप डिस्कशन से अंडरस्टैंडिंग प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही सहज तरीके से। और यदि उससे भी ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग पानी है तो वो तरीका है टीचिंग, यानी कि दूसरे को पढ़ाना। अपने क्लास के ही दोस्तों को या छोटे क्लास के बच्चे को जब आप पढ़ाएंगे तो आपकी किसी भी विषय पर अंडरस्टैंडिंग बहुत ही दृढ़ होता जाएगा, मजबूत होता जाएगा। तो इसलिए ये मौका जब भी आपको पढ़ाने की मौका मिले तो वो छोड़नी नहीं चाहिए। ग्रुप डिस्कशन की जो मौका मिले तो वो छोड़नी नहीं चाहिए, बल्कि आपका एक ग्रुप तैयार करके रेगुलर प्रैक्टिस करें ग्रुप डिस्कशन का, तो इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा।